नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ओके, मैं आज वीडियो लेके आया हूँ अपना एक, और जिसमें मैं बेसिक पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, चौक मैंने ले लिया है, ये हमारी दीवार है, ठीक है, जिस पे मैं ड्राइंग करूँगा और उसमें कलर फिल करके बताऊँगा। मेरी जो बेसिक वीडियो है ड्राइंग्स के बारे में, उसका मैं बटन आपको यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, आप प्ले लिस्ट में जाके उसके बारे में भी जान लेना अगर आप नए हो। ठीक है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैंने अभी ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं वॉल पे पेंटिंग करूंगा, ये वाला। इसको हम लोग फ्लोरल आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेंटिंग मैं बनाऊंगा, तो मैं ड्राइंग शुरू करता हूं। सबसे पहले हमें, जैसे इस पेंटिंग में हमारा यहाँ पे बिल्कुल साइड से ड्राइंग शुरू हो रही है, तो हमें भी वो चीज वैसे ही करनी है एज इट इज। तो हम लोग ड्राइंग शुरू करेंगे, हमें देखना है कि ऊपर से लेवल कितना है। तो यहाँ से मैं एक बेसिक ड्राइंग करूंगा इसकी, हल्के हाथ से। कभी भी चौक को बहुत जोर से नहीं दबाना, ये आप बात ध्यान में रखना, नहीं तो वो मिटने में प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे ही मैंने इसको शुरू किया यहाँ से, ये देखिए, ये हो गया। हम लोग पहले जो बेसिक होते हैं, जैसे जो मेन है ब्रांच, टहनी की जो ब्रांच है मेन, उसको हम लोग ले लेंगे, वो हमने बना लिए। उसके बाद एक यहां से ऐसे, और उसके साथ ही एक और लाइन आती है लाइक दिस, यहां पर भी ब्रांच आएगी जो नीचे चले जाएगी ऐसे करके, और यहां पर एक ब्रांच आएगी जो ऐसे करके कर्व हो जाएगी। ओके, तो मैं अभी जो ड्राइंग हमने कर लिया है, ठीक है, ये ड्राइंग जो हमने फ्लोरल का बनाया है, इसमें मैं अभी कलर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ये ब्रश लिया है जिससे मैं पेंटिंग करूंगा। ओके, लेकिन मोस्टली मार्केट में जो मिलने वाले ब्रशेस होते हैं वो ये होते हैं, तो जिसकी वजह से वो आपके हाथ की जो फिनिशिंग है ना पेंटिंग की, वो नहीं आ पाती। तो मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ अपनी लास्ट वाली में, कौन से ब्रशेस यूज करने चाहिए। तो मैं यही ब्रश लूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि यही है मेरा फेवरेट ब्रश। तो मैं शुरू करूंगा, यहीं से शुरू कर लेता हूं। अभी आप इसको ब्रश का पता चलेगा आपको कि इसके क्या क्या स्टाइल हम बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको चपटा कर लेना है ऐसे करके, बिल्कुल चपटा कर लेना। चपटा करके हमें इसको ऐसे पॉइंट पे रख के ऐसे करके इसे छोड़ देना, इट्स वेरी सिंपल। तो ये अभी हम इसको चौड़ा भी कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, इसको राउंड इसीलिए रखा जाता है कि इसको हम घुमा सकते हैं, तो इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पता है कहाँ पे ये ज्यादा चौड़ा होने वाला है,
ओके okay, अभी आपने देखा कि हमने इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बना दी, तो इसमें आप नोट करेंगे तो कहीं कहीं धब्बे आ रहे हैं। तो क्या है कि सिंगल में मोस्टली कवर नहीं होती सभी शेड्स, ब्लैक कवर हो जाता है लेकिन सभी शेड नहीं होती, ये डार्क ब्राउन है तो ये कवर नहीं हो रहा, तो इस पे आप डबल कोट करना है, यानी कि सारी एक बार बना लीजिए, बेसिक बेस कर लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर डबल कोट करें। अभी मैं लीव्स और फ्लावर्स बनाऊंगा, ठीक है। ओके तो फ्लावर्स मैंने बना दिए हैं और अभी मैं लीव्स पे काम करूंगा, ठीक है। ये जो लीव्स हैं, पत्ते होते हैं, उन पे काम करूंगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक आउटलाइनिंग इसका मैं बता देता हूँ, पहले मैं इसकी आउटलाइनिंग बना लेता हूँ ऐसे करके। मुझे बार बार कलर इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जो नीचे चौक है वो कलर अब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप डिजाइन में देखेंगे ना, जो मैंने बताया था आपको, उसमें क्या है कि इसके अंदर जो लाइंस हैं, जैसे ये लीव्स का एक बेसिक हो जाता है, इसके अंदर लाइंस हैं ये वाली ऐसे करके, और वो लेकिन लाइंस उन्होंने ये वाले कलर की छोड़ी हुई है डिजाइन में। तो उससे क्या होता है, यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप ये ऐसे करके तो बाकी का कलर भर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, ये मुझे काफी बेकार सा सिस्टम लगता है। मैं इसको पूरा फिल कर दूंगा, फिल करने के बाद ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर वो व्हाइट लाइन डालनी है तो हम लोग ऊपर से, जब हमारा ये डबल हो जाएगा तो इसके ऊपर से मैं व्हाइट लाइनिंग जहां जहां होगी वहां पे डाल दूंगा, तो थोड़ा इजी भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। अभी मैं सभी डिलीट कर देता हूँ फिर आपसे वापस। तो अभी ये हमारा जो बेस है डबल हो गया है, अभी मैं ये जो डिटेलिंग है इसके ऊपर काम करूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स के अंदर जो डिटेलिंग है, तो उसके लिए मैंने बेस कलर ले लिया है जो वॉल पे ऑलरेडी मारा हुआ है हमने, तो उसको मैं एक छोटे ब्रश से इसके ऊपर काम करूंगा। आपको दिखाता हूँ कि हम लोग वो चीज़ कैसे करते हैं जो ईजी हो जाए। ये देखिए जैसे डिजाइन में हम वैसा ही कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हमने, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने माइंड से, थोड़ा क्रिएटिव माइंड से, हम इस चीज़ को गोल्डन कलर से या फिर किसी और कलर से डेकोरेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सब लीव्स पे करूंगा। अगर आप इन्हीं चीज़ों को छोड़ छोड़ के करते तो आपका कम ज़्यादा मोटा पतला ऐसे लाइंस हो जाती थी, ऐसा करने से वैसा नहीं होता, ऐसे करने से परफेक्शन आ जाती है। अभी मैं सभी पे ऐसा ही कंटिन्यू कर दूंगा सब डिज़ाइन पे। ओके तो ये मैंने सारा फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने वैसा ही बनाया है जैसा ये डिज़ाइन है। सी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा, और मैं चाहता हूँ आप भी प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, हमेशा आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और हमारी बाकी की वीडियोस भी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूँगा और एक आई बटन भी दे दूँगा। अपनी अगली वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगा आपके साथ और कुछ नया बनाएंगे, हम लोग आपको बताएंगे डिटेलिंग। तब तक के लिए नमस्कार।